2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया भी था, कहीं वन माफिया भी था, कहीं पशु माफिया भी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहज जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो बस, आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी, मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। और मां विंध्यवासिनी की कृपा से आज क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। आज हमने यहां पे उन युवाओं को भी सम्मानित किया है जिन युवाओं ने यहां के कारपेट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अपना योगदान जो लोग दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में भदोही के एक्सपो मार्ट में भी एक एग्जीबिशन लगने जा रही है, बेहतरीन रूप से दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों को भी अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने कारपेट को डिस्प्ले करने और नए ऑर्डर प्लेस करने के एक नया अवसर प्राप्त होगा। अभी परसों 25 सितंबर को, 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में करने जा रहे हैं। बहन और भाइयों, उसमें मिर्जापुर भदोही की कारपेट को भी हम लोगों ने वहां स्थान दिया है, यहां के प्रोडक्ट को भी वहां पे हम एक बार दुनिया के सामने शोकेस करने का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यहां का हस्तशिल्पी भी सम्मानित होगा, उसे भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और यहां का प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो मान करके चलिए कई गुना मुनाफा वह कमाने के लिए आगे बढ़ेगा। पैसा आएगा, उस पूंजी को यहां लगाएगा तो विकास तो मिर्जापुर का ही होगा, भदोही का ही होगा, सोनभद्र का ही होगा।